कुकिंग विद मंजीत में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फालूदा, जो मार्केट में हमें मिलता है इस तरह से गिलास के अंदर। तो चलिए बनाते हैं फालूदा। इसके लिए पहले मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी। कुल्फ़ी के लिए मैंने ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है। इसको मैंने पैन पे रख दिया है डाल के। गैस मैंने फुल कर दी है क्योंकि इसको हमें बॉईल करना है पहले। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, वो मैंने इसको मिक्सी में डाल के इसको बारीक पीस लिया है। ड्राई फ्रूट अपनी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जित कम ज़्यादा। और इसको ऐसे बारीक साइज का पाउडर बना लेना है। अब एक साइड पे हमारा दूध गर्म हो रहा है और इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच मलाई ऐड करूँगी। और मलाई हमें ताज़ी ही ऐड करनी है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, दूध गाढ़ा कर सकते हैं, पर मेरे को इंस्टेंट बनानी है तो मैंने इसके अंदर मलाई ऐड की है। अब एक मैंने बाउल में आधा बाउल दूध रखा था, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 5 से 7 केसर के धागे डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। एक साइड पे हमारा दूध देखो गाढ़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने इसे मलाई भी डाल दी थी। जब ये हमारा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा तब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आधी कटोरी मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। मीठा आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर कुल्फ़ी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं। इलायची पाउडर 1 से 1.5 चम्मच पाउडर बना के हरी इलायची का वो मिक्स कर दिया है मैंने। अब जो मैंने कस्टर्ड का बना के रखा था घोल वो मैं इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम आप तेज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको लगातार हिलाना है, इसलिए इसको इस तरह से मिक्स करते हुए आप फुल फ्लेम पे भी इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, 2 से 3 चम्मच। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते, पर ऐड करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। इसको इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हमें और पकाना है थोड़ा सा। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसके लिए हमें नॉन स्टिक कढ़ाई लो तो वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसके में चिपकता नहीं है और आसानी से बनता है। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए हम देखते हैं, ये देखिए परफेक्ट लाइन आ रही है, पर आप थोड़ा सा और भी गाढ़ा कर सकते हैं इसको। देखिए अब थोड़ा और थिक हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसको बंद करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इस मैंने आइसक्रीम मोल्ड लिए हैं, उसके अंदर इसको भर देंगे। मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड थे, उसके अंदर भर दिया है मैंने। आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में जमा सकते हैं इसको। अब जो बची थी वो मैंने एक डिब्बे में डाल के इसको जमाने के लिए रख दिया है। ये देखिए अब हम बनाते हैं हमारी सेवैयाँ फलूदा। इसके लिए मैंने एक छोटी सी बोतल को काट के उसको आगे का पोर्शन ले लिया है और इसको जो आइसिंग बैग होता है उसके अंदर मैंने ये छेद करके इसके अंदर फंसा के इसका ढक्कन लगा दिया है। और ढक्कन में मैंने 5 से 6 बारीक बारीक छेद कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से फलूदा बनाने से पहले हमें ये सब कुछ करके रखना पड़ेगा। अब मैंने आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके अंदर मैंने 2.5 कटोरी पानी डालना है। पहले मैं आधी कटोरी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मेज़रमेंट आप 1 कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से कीजिएगा।
देखिए मैंने पहले आधा डाल दिया था, अब ये हमारा पूरा बड़ा वाला बाउल है तो ये मैं दो डाल दूँगी। इस हिसाब से ये ढाई बाउल हो गया हमारा पानी का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे हम, पहले तैयारी करेंगे फलूदा बनाने के बाद। जिसमें हमें फलूदा बनाना है उसके लिए मैंने एक बड़ी सी ट्रे के अंदर ठंडा पानी ले लिया और बर्फ़ रख ली है। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे और बनाते हैं फलूदा। इसके लिए मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर। अब उसके अंदर जो मैंने मिक्स बना के रखा था कॉर्नफ्लोर का, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम आप फुल रख सकते हैं क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है मेरी, तो ये नीचे लगने का डर कम होता है इसका। वैसे कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी थिक हो जाता है क्योंकि इसको बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये अपने थिक होना शुरू हो जाता है। अब एक साइड पे मैंने एक ग्लास के अंदर जो मैंने बैग बना के रखा था उसके लिए फलूदा के लिए, वो मैंने सेट कर लिया है। ये देखिए अब ये गाढ़ा शुरू होना हो गया है। अब इस स्टेज पे आपने इसको लगातार हिलाने शुरू करना है क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए भी इधर उधर होंगे तो ये जम जाएगा एक साइड पे। तो इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमें लगातार हिलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल जेली की फॉर्म में आ गया, ट्रांसफर जैसे होता है वैसे हो गया है। अब इसको अभी और भी गाढ़ा होगा, तब तक इसको हमें मिक्स करना है इस तरह से। हमारे ये 5 से 7 मिनट के अंदर ये बिल्कुल बन जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए मिक्स हो गया है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसके लिए भारी तले वाली कढ़ाई लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है। हमें इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा ठंडा करना, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा करके अब मैंने इसको आइसिंग बैग के अंदर भरना शुरू कर दिया है। इसको आप इस तरह से उठाकर एक कपड़े की सहायता से, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो कपड़े की सहायता से इसको पकड़ के इस तरह से इसको घुमाते जाइए, जो हमारी आइसिंग वाली ट्रे थी। तो अपने आप ये सेमियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। अभी आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी देर में ये वाइट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते जाइए। अगर आपके पास इस तरह का बॉटल नहीं है तो आप इस तरह से एक छेद हल्का सा पतला छेद करके इस तरह से भी ऐसे बैग के अंदर इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए हमारी फलूदा वाइट होना शुरू हो गए हैं। बस इसको इस तरह से बनाते जाइए। अब हमें इसको बनाना ठंडे पानी के अंदर ही है, गर्म के अंदर बनाएंगे तो ये मतलब कि घुल जाएंगी सारी। तो ठंडे के अंदर ही इसको बनाना है, बर्फ़ के वाले पानी के अंदर और बर्फ़ के ऊपर। ये देखिए परफेक्ट बनी एकदम हमारी फलूदा। अब मैं इसको वापस पानी के अंदर डाल के ठंडे के फ्रिज में रख दूँगी। अब नेक्स्ट डे हम हमारी कुल्फी को भी चेक करेंगे और फलूदा देखिए परफेक्ट है एकदम हमारा। तो चलिए बनाते हैं फलूदा। ये देखिए आइसक्रीम मेरी जम चुकी है अच्छी तरह से बिल्कुल। इसको मैं पीसेस में कट कर दूंगी, बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी कुल्फी जमी है। अब हम गिलास में, मैंने चिया सीड्स पहले ही भिगो के रख दिए थे और वो जो हमारी सब्जा के बीज होते हैं ये दोनों मिक्स करके मैंने भिगोए थे, उसको ऐड कर दिया मैंने। और थोड़ी सी मैंने कुल्फी डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं फलूदा डालूंगी थोड़ा सा, और मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है थोड़ा सा इसके अंदर। अब एक लेयर और लगाते हैं, कुल्फी डालेंगे पहले। अब इसके ऊपर चिया सीड्स और सब्जा के बीज डालूंगी मैं। अब हमारी ड्राई फ्रूट की कतरन, और ये मैंने रबड़ी बना के रखी थी, इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ बाद में। इसको इसके ऊपर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। अब हम रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा लगाएंगे, टूटी फ्रूटी।
आप चाहे तो अपनी मनपसंद जो भी आपके पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चीज़। आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब कुल्फी के ऊपर मैंने फिर से फालूदा लगा दिया है। फालूदा हमारा देखिए कितना परफेक्ट बना है एकदम। अब जो कुल्फी हमारी बच गई थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। थोड़ी सी रबड़ी, ये टूटी फ्रूटी, थोड़े से ड्राई फ्रूट कटे हुए। अब इसके ऊपर हल्का सा रूह अफ़ज़ा डाल के इसको सर्व करेंगे। सच मानिए ये मार्केट से भी अच्छी बनती है और हाइजीनिक भी है, क्योंकि आपने घर पे बनाई है तो आप इसको बनाइए और ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक दीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।